नमस्कार सभी लोग, कैसे हैं? अच्छे होंगे घर पे, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हों। लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर पर बैठ कर पढ़िए। हम लोग आपके लिए रोज वीडियो डालेंगे। फोर्थ सेम में आपका डीएलएड में सोशल साइंस है जो सब्जेक्ट है, उसमें हम हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। तो हिस्ट्री का पोर्शन जो देखिए, सबसे पहले आपका 1857 क्रांति, उस क्रांति में सबसे पहले देखिए कि उस क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये जानना जरूरी है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय पामस्टान थे और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिशन, भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर, ये जानना जरूरी है। क्योंकि जिस समय ये क्रांति हुई, ये क्रांति कोई साधारण क्रांति नहीं थी, एक आज़ादी क्रांति थी, भारत में एक आज़ादी की शुरुआत की क्रांति थी। तो इस क्रांति के समय हमें ये भी जानना तथ्य जरूरी है कि उस समय कौन क्या था। इसी क्रांति को हम थोड़ा सा आगे ले जाके पढ़ते हैं कि इस क्रांति का मुख्य स्वरूप क्या था, अर्थात इसका शीर्षक इसमें देखेंगे, इसके शीर्षक कौन कौन बिंदु है जो हमें इस पर पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका स्वरूप कैसा रहा, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, इसके कारण क्या रहे, प्रसार व पतन कैसे हुआ, इसका असफलता के कारण क्या रहे, इसका महत्व क्या रहा और परिणाम इसके क्या हुए। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें इसके परिणाम क्या रहे, अंत में हम इनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्रोह का स्वरूप। आखिरकार हम लोग पढ़ते हैं या कभी भी कोई विद्रोह के बारे में जानकारी रखते हैं, तो एक साधारण सी बात है कि विद्रोह होना जब व्यक्ति को उसके अनुसार वो सुविधाएं ना दी जाए, उसका शोषण किया जाए, तो स्वाभाविक रूप से विद्रोह होना बनता है। और इसी प्रकरण में पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, अंग्रेजों की शोषण की नीति से तंग आ चुके थे। और वही कारण इसके मुख्य दिखते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका स्वरूप में देखिए तो इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। यूरोपीय इतिहासकार इसको अलग नज़रिए से देखते हैं, भारतीय इतिहासकार इसको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जहां अंग्रेज़ों ने इसे सिपाही विद्रोह कहा, ओनली सिपाही, सिपाहियों ने इसको विद्रोह कर दिया और विद्रोह हो गया, वहीं भारतीय इतिहासकारों ने सिर्फ इसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा कि ये राष्ट्र से प्रेरित होकर एक आंदोलन था, राष्ट्र की आज़ादी के लिए आंदोलन था। लेकिन इसका मूल उद्देश्य अगर देखा जाए, निष्कर्ष देखा जाए, तो हम कुछ इतिहासकारों के कथन के आधार पर ही हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसका वास्तविक रूप क्या रहा होगा। तो यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये कहते हैं एल ई आर रीस कहते हैं कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। धर्मांधों का, भारतीयों को धर्मांध कहा गया, एल आर रीस यूरोपीय है। क्या धर्मांध युद्ध करते या धर्मांध जो है भारत के अगर हो जाते तो क्या अंग्रेज इतने वर्षों तक राज्य करते? ये तो कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं होता। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध, टी आर होम्स ने कहा बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध। टी आर होम्स, भारतीय बर्बर थे, ये लोग सभ्य थे। ये बड़ा एक परेशान करने वाला है कि भारतीय बर्बर थे। ठीक है, मानते हैं बर्बर थे, इसलिए तो बर्बरता दिख रही है ना। आज पूरा विश्व आज पर परेशान है, कौन बर्बर है, कौन सभ्य है, ये सबको दिख रहा है।
राष्ट्रीय विद्रोह अशोक मेहता जी ने, भारतीय थे अशोक मेहता, उन्होंने कहा ये राष्ट्रीय विद्रोह है, राष्ट्र से प्रेरित होकर ये विद्रोह हुआ है। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, बीडी सावरकर ने कहा सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, अर्थात ये नियोजित तरीके से शुरू किया गया था, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था, बीडी सावरकर कहते हैं। लेकिन दोनों पक्षों को रखते हुए हम देखते हैं, अगर हम सुनियोजित भी कहते हैं तो ये सफल नहीं हो पाया, इसलिए हम सुनियोजित इसको भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर कोई चीज़ सुनियोजित तरीके से होती है तो पूरे भारतवर्ष में वो अगर होती तो वो सुनियोजित हम उसको कह सकते थे, हर जगह उसकी क्रांति दिखती। क्रांति का समय देखिए आप, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने जल्दी जल्दी से, चाहे वो झांसी हो, चाहे सतारा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं, सबका अलग अलग टाइमिंग डिफरेंस आगे को देखने को मिलेगा, तो इसलिए हम इसको सुनियोजित भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर हम सबका एनालिसिस करते हैं तो ये सुनियोजित हो या ना हो, ये राष्ट्रीय विद्रोह हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि ये विद्रोह भारत से विदेशी शासन को हटाने के लिए किया गया था, चाहे वो सुनियोजित हो या ना हो। इसी क्रम में हम आपको आगे कल जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो भी बन पाएंगे, तो इसमें हम कल आपको इसका प्रारंभ कैसे हुआ और इनके कारणों पर चर्चा करेंगे। छोटे छोटे वीडियो को देख के ही आप, आपके सिलेबस का जो है कोर्सेस वो हम पूरा कराएंगे। और इसी के साथ आज का ये छोटा सा टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करेंगे। और हम आपसे यही कहेंगे कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, देश हित में, अपने हित में, अपनों के हित में लॉकडाउन का पालन करिए, और देश के इस मिशन में जो कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है उसमें सहयोगी बने। जय हिंद।